नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए टोटल हरियाणा की करते हैं शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अर्बन लोकल बॉडी की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि प्रॉपर्टी आईडी की समस्या को जल्द निपटाया जाए। वहीं करनाल में 21 अवैध कॉलोनियों को जल्द वैध करने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के दफ्तर में अर्बन लोकल बॉडी की मीटिंग ली। इस मीटिंग में चंडीगढ़ से भी अधिकारियों को बुलाया हुआ था, ताकि कोई भी परेशानी है तो उसका समाधान हो सके। इसी के चलते करनाल के तमाम अलग अलग विभागों के अधिकारी, सभी पार्षद और मेयर इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग में सबसे पहले प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा उठा, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और साफ कहा कि प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। इस वक्त करीब 1700 ऐसी प्रॉपर्टी आईडीज की फाइल हैं जो दुरुस्त होने के लिए आई हुई है। मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे करनाल से विधायक श्री मनोहर लाल जी का आज हमारे नगर निगम में आने पर बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने आज हमारे बीच में बैठकर, हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर हमारी समस्याएं सुनी और उस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि जो भी विकास कार्य हैं शहर के, वो सारे जल्दी से जल्दी कराए जाएंगे। हम सब ने, सभी पार्षद भाइयों ने, बहनों ने, सभी ने मिलकर हमने उनको अपने अपने कामों की लिस्ट दे दी है और उन कामों के ऊपर उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि जो पैसा निगम में है उसे खर्च किया जाए, उसके अलावा और जितना फंड चाहिए वो दिया जाएगा सरकार की तरफ से। वहीं सीएम ने करनाल में 21 अवैध कॉलोनियों को जल्द वैध करने के भी निर्देश दिए हैं। करनाल जिले के 21 अवैध कॉलोनियों को जल्द से जल्द वैध किया जाएगा। उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिन में ये कॉलोनियां वैध हो जाएंगी, जिसके बाद वहां पर और विकास के काम होंगे। वहीं अलग अलग पार्षदों ने अपने वार्ड की समस्याओं को सीएम मनोहर के सामने रखा। सीएम मनोहर लाल ने साफ कह दिया है कि नगर निगम का तो फंड मिलेगा ही, उसके साथ साथ और भी फंड दिया जाएगा, लेकिन विकास के काम की गति रुकनी नहीं चाहिए। मंत्री जी ने हमारे पार्षदों के साथ जो छोटे छोटे काम थे निगम के, उनके साथ साथ जो एक मेन समस्या प्रॉपर्टी आईडी की आ रही थी, उस पर एक विस्तृत चर्चा करी है। जो जो जैसे समस्या थी पार्षदों से पूछी, उनके बारे में अधिकारी को निर्देश दिए भी तुरंत से तुरंत हो जाए। बाकी और क्या नाम, लगभग करनाल की सबसे कम रही प्रॉपर्टी आईडी, 1700 के करीब प्रॉपर्टी आईडी पेंडिंग थी, वो भी लगभग कह रहे थे 15 दिन में निपट जाएगी। इसमें बैठक में एक तो प्रॉपर्टी आईडी को लेके जो सबसे मेन मुद्दा है इस टाइम, जिससे पब्लिक परेशान है, वो मुद्दा रखा सभी पार्षदों ने और उसका समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, भाई इनका जो ब्याज है वो ब्याज माफ़ किया जाए प्रॉपर्टी आईडी का, और जो गलत हो रही इनको ठीक किया जाए और कैंप कम से कम 1 महीना लगातार लगवाया जाए, और जो भी ऑब्जेक्शन है उसको, ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट ना करके उसको ठीक कराए, भाई उसके कागज चले उसको बुलाए, फोन करे उस तब ये कागज ले रहा भी ठीक करा के ही दे उसको। फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लोगों को आ रही समस्याओं का जल्द निपटान का निर्देश अफसरों को दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक लोगों की समस्या दूर हो पाती है। करनाल से विकास महला की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।